हेलो, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और आप लोग कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है आप लोग सही और स्वस्थ होंगे। हम लोग आज चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर 8 हमारा किस चीज़ का है? ये एनसीईआरटी का है। तो एनसीईआरटी हमारी कौन सी है? तो एनसीईआरटी हमारी कौन सी है, ये 11 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ये हमारी 11 है। तो 11 का चैप्टर नंबर 8 है, और चैप्टर नंबर 8 हमारा किस चीज़ का है? एंड सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है? तो सेल के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। सेल क्या होती है और कैसे यूनिट ऑफ द लाइफ के बारे में ये बताती है, तो हम चलिए शुरुआत कर रहे हैं। और पहले यहाँ से हम देखते हैं, व्हेन यू लुक अराउंड यू यू सी द बोथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। हम देखते हैं, कुछ वस्तुएं देखते हैं जो लिविंग होती हैं, कुछ हम देखते हैं जो क्या है मृत होती हैं वस्तुएं होते हैं। वी मस्ट वार द वंडर एंड द आस्क योर सेल्फ वाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। आपको पता है और कैसे ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, और वाट इज इट दैट इनिमिनेट थिंग्स डू नॉट हैव विच द लिविंग थिंग्स हैज, ठीक है? आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। कैसे जीवित रहती हैं तो हमारी क्या है, इनमें बेसिक जो यूनिट होती है हमारी कैसी होती है, सेल्स की होती है। द सेल इन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ईजी है और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जो मुख्य मुख्य के पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म हमारा क्या, सेल से मिलके बना हुआ था। सम आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल के होते हैं, कॉल्ड उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वाइल अदर और दूसरे लाइक अस द कंपोज्ड ऑफ द बहुत सारे सेल्स से, मैनी सेल्स आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर, ठीक है? तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दो समझ में आए। तो एक हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म यहाँ दो प्रकार के देखने को मिले। एक तो हमारा यूनिसेलुलर होता है, और एक ऑर्गेनिज्म हमारा कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है? यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल एंड एक ही सेल से मिलके बना होता है, और मल्टी सेलुलर हमारे होते हैं एक से अगर ज़्यादा सेल्स अगर उनमें देखने को मिलती हैं, उनको हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब समझते हैं व्हाट इज द सेल क्या होता है। तो सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और सेल, ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, ठीक है, जो भी यूनिसेलुलर यानी एक सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो कैपेबल हैं ऑफ, सबसे पहले, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है? इंडिपेंडेंट होते हैं एटमोसफेयर में, उनकी और किसी की जरूरत नहीं होती, सेल्फ सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं। और सेकंड, उनका जो फंक्शन होता है परफॉर्मिंग आर द इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ, ठीक है? इंडिपेंडेंट होते हैं, और दूसरे जो आर इसेंशियल लाइफ में जो फंक्शन होते हैं कि सारे के सारे कैसे होते हैं, परफॉर्म हमारे क्या है करते हैं, ठीक है? इसके बाद एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हेंस सेल्स इज द फंडामेंटल, इसी वजह से एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है? तो ऐसे कोई भी सेल्स हो जो इंडिपेंडेंट नहीं है और वो, ठीक है, तो अगर किसी पे डिपेंड है उसको सेल हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इसी वजह से सेल इज द फंडामेंटल हमारा क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल कह सकते हैं जो हमारे क्या है विदाउट इंडिपेंडेंट नहीं है, और ठीक है, जो सेल हमारी कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट होंगी, हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री होंगी, और इसी के वजह से हमारा क्या है, उसको क्या है फंक्शनल यूनिट कहते हैं और फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं, किसको, सेल को। सबसे पहले क्या है, एंटोन वॉन ल्यूबेनहॉक फर्स्ट सादा डिस्क्राइब द लाइफ सेल्स, ठीक है? तो सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूबेनहॉक ने क्या है लाइफ सेल्स को यानी लिविंग सेल्स के बारे में पहले बताया था, और डेड सेल के बारे में क्या है रॉबर्ट हुक साहब ने उसको क्या है बताया था। रॉबर्ट नीचे दिया है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या है डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, ठीक है? द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, एंड इट्स इम्प्रूवमेंट द लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
ठीक है। फिर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी है, रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ द सेल, ठीक है। इसके बाद में सारे जो स्ट्रक्चर का है सेल का, उसके बारे में क्या है, डिटेल स्टडी की गई थी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया, ठीक है। सेल क्या होती है, सेल ऐसा फंक्शनल और हमारे क्या है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ की होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल हमारे के इंडिपेंडेंट होती है और आर एसेंशियल जो लाइफ के फंक्शन होते हैं सारे के सारे फंक्शन करने में कैपेबल होती है, ठीक है। सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी की गई थी तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, और रॉबर्ट हुक ने हमारा क्या है डेड सेल के बारे में बताया था, और उनको क्या हनी कॉम कहा गया था इनको। और उसके बाद में एंटनी वॉन लेवेनहॉफ ने क्या लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी की थी। इसके बाद में सेल थ्योरी का प्रपोज किया गया था, तो सेल थ्योरी हमारे क्या है दो साइंटिस्ट थे स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। इनके कब दी गई थी, इन 1838 मेल्थियास स्लाइडन थे और जर्मन हमारे कैसे बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तो मेल्थियास स्लाइडन कैसे थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल वॉल विच फॉर्म ऑफ टिश्यूज ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो हमारे क्या है स्लाइडन साहब थे, हमारे जर्मन के बॉटनिस्ट थे, उन्होंने लार्ज नंबर पे प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने कहा था ऑल जो भी प्लांट हैं कंपोज्ड ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल, और सबके पास में डिफरेंट तरीका की क्या है सेल्स होती हैं, और जो सेल्स हमारी किस क्या बनाती हैं फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट, और यही सेल हमारे क्या है प्लांट का टिश्यू बनाती है, ठीक है। ये किसने कही थी, ये हमारे कहला ये स्लाइडन साहब ने कही, ठीक है, मेल्थिया स्लाइडन साहब ने की थी, और ये जर्मन जर्मन के बॉटनिस्ट थे। एट द अबाउट ऑफ द सेम टाइम थियोडोर, ठीक है, थियोडोर स्वान साहब, फिर हमारे उसी समय स्वान साहब ने, ये हमारे कैसे थे 1839 में इनकी थी और 1838 में हमारे कौन से थे स्लाइडन हमारे क्या है मेल्थियास स्लाइडन थे, और ये हमारे क्या है थियोडोर स्वान साहब थे। इन्होंने ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे और स्टडी इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल सेल के बारे में बताया था, एंड रिपोर्टेड दैट ऑल सेल्स हैड थिन आउटर कवर विच टुडे इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग जानते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की गई थी, हमारे के ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, इनको को है स्वान हम लोग कहते हैं उनको, ठीक है। और इन्होंने क्या है फिर दैट ऑल कंक्लूड्स द बेस्ड ऑन द देयर स्टडी ऑन द प्लांट की स्टडी की थी, प्लांट टिश्यूज के बारे में इन्होंने फिर डिस्कवरी की दैट द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। फिर उन्होंने बताया था जो प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है ये यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स का है, ठीक है। तो यूनिक यानी सेल वॉल के बारे में जो बताया था, किसने हमारे बताया था स्वान साहब ने बताया था प्लांट सेल के, उनके बारे में बताया कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है हमारे स्पेशल करेक्टर होता है, एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है और सिर्फ उसमें क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी उसको क्या है जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने कहा स्वान साहब प्रपोज्ड एक हाइपोथीसिस दी थी दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो उन्होंने एक हाइपोथीसिस दी थी कि स्वान साहब ने, और कहा था जो प्लांट है और एनिमल है उनकी बॉडी हमारी सेल से बनी हुई और सेल की जो प्रोडक्ट है उनसे बनी हुई है, ठीक है। तो इसके बाद में फिर हमारे क्या है स्लाइडन और स्वान टूगेदर फॉर्मुलेटेड ऑफ द सेल थ्योरी, और दोनों साइंटिस्ट ने फिर बाद में क्या है एक सेल थ्योरी का इनोग्रेशन किया, सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो इस जो सेल थ्योरी थी इसके कुछ ड्रॉबैक थे क्योंकि इसमें एक्सप्लेन नहीं हो रहा था सेल कैसे डिवाइड हो रही है और कैसे एक सेल से दूसरी सेल बन रही, तो ये इसके क्या है कुछ ड्रॉबैक थे इसके है हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, इसमें इसका ड्रॉबैक था कैसे न्यू सेल्स फॉर्म्ड हो रही हैं। तो एक फिर दूसरे साइंटिस्ट हमारे आए तो क्या है रुडोल्फ वर्चू साहब आए थे, तो कब आए थे 1855 में आए थे, तो इन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं वो हमारे पहले से सेल्स विद्वान है उसी से सेल्स हमारे क्या डिवाइड होकर आ रही हैं,
इसको कहा ओमनिस सेलुला, ई सेलुला उन्होंने अपने वर्ड में कहा, जिसका मतलब ये होता है कि सेल्स ड्राइव्ड या डिवाइडेड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथीसिस ऑफ द स्लाइडन एंड स्वान ने, फिर इनकी जो थ्योरी थी उनको रोडॉल्फ बर्चू साहब ने उसको मॉडिफाई कर दिया टू गिव द सेल थ्योरी द फाइनल शेप, सेल थ्योरी एज अंडरस्टैंड। जो सेल थ्योरी दे रही है वो हमारी किसके थ्रू, रोडॉल्फ बर्चाउ साहब ने उसको फाइनल टच दिया, जो हमको कहा सेल थ्योरी आज है। ठीक है, तो सेल थ्योरी में कुछ नहीं है, पहले हमारे जो साइंटिस्ट आए थे स्लाइडन साहब आए थे, तो स्लाइडन साहब ने लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट की स्टडी की थी और उन्होंने बताया इसमें क्या है, जो प्लांट में बहुत डिफरेंट तरीका की सेल्स होते हैं और इन सेल के ऊपर एक क्या है सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल हमारी क्या है डिफरेंट होती है, और सेल वॉल की जो बेसिक जो को डिस्कवरी की गई थी हमारे क्या स्वान के जो उन्होंने की गई थी, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था और प्लांट सेल की ऑब्जर्व किया था, तो सेल वॉल के बारे में बताया था उन्होंने, जो स्वान साहब थे उन्होंने प्लांट में स्टडी की, स्लाइडन साहब थे उन्होंने प्लांट में बताया था, और स्वान साहब थे उन्होंने एनिमल स्टडी की थी, तो एनिमल सेल्स के बारे में बताया था उसमें। ठीक है, और उनका ड्रॉबैक इस सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, इनका ड्रॉबैक ये था इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि सेल्स हो रही हैं कैसे, क्या है डिवाइड हो रही है और कैसे एक सेल से दूसरी सेल बन रही है फॉर्म। इसके बाद में ये जो सेल थ्योरी थी इसके 2 पॉइंट था, आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसे सेल से बने हुए हैं, और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, तो आल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेल से बने हुए हैं और सेल के प्रोडक्ट से क्या है ये बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट था आर सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी सेल्स आ रही हैं वो पहले से कोई ना कोई सेल विद्वान है, उसी से डिवाइड होकर नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये फिर बाद में लेटेस्ट सेल थ्योरी यहाँ से देखने को मिल गई। ठीक है, तो इसके बाद में एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, फिर इसके बाद में सेल का ओवरव्यू देखते हैं, तो ओवरव्यू जब देखते हैं तो उसमें ये चीज सामने नजर आती है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व द सेल इन एन ओनियन पील। सबसे पहले किसकी अर्लियर ऑब्जर्व की गई थी, तो ओनियन यानी ओनियन की पील की गई थी, यानी प्याज पे आपने देखा ऊपर एक कवरिंग होती है, झिल्ली होती है, जब उसके क्या है लीव्स को थोड़ा सा अलग करते हैं, और ह्यूमन चिक सेल के बारे में उसको बताया था अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, और लेट्स अस द रिकॉलेट देयर स्ट्रक्चर, जब उनका क्या है स्ट्रक्चर को रिकॉलेट किया गया था, ओनियन सेल्स विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज द डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। उन्होंने जब देखा था तो उन्होंने कहा जो प्लांट सेल्स होती है ओनियन सेल के इसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है जिसको क्या है सेल वॉल कहा गया उसको। ठीक है, तो ये पहले ही बता चुके थे। इसके बाद आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जस्ट विद इन द दिस सेल के मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इससे नीचे हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है, द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स इनसाइड ईच सेल ऑफ द डिजर्व मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कार्ड, इसमें क्या है न्यूक्लियस देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सेल के जो फंडामेंटल है उसके बारे में इसमें बताया गया है। न्यूक्लियस फेज के में देखने को मिला था एनिमल सेल, दिस न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम से विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, इसमें देखने को मिला, और जेनेटिक मटेरियल क्या है डीएनए, डीएनए सेल्स दैट हैव द मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई, इसमें देखने को मिला आर कॉल्ड द यूकैरियोट। ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज देखा था जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने सबसे पहले ऊपर सेल वॉल देखा था, फिर सेल मेम्ब्रेन देखा था, फिर उनको एक न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिला था, और ये न्यूक्लियस हमारा क्या है एक मेम्ब्रेन बॉन्ड था, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन कवरिंग थी, और ऐसे न्यूक्लियन को उनका है यूकैरियोट न्यूक्लियस कहा गया। वेयर है सेल्स ऑफ द लैक ऑफ द मेम्ब्रेन, एक सेल देखी थी उनमें क्या है फिर सेल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल क्या चीज था, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिला, इसको कहा प्रोकैरियोट कह दिया। ठीक है, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में बस यही डिफरेंट है, यूकैरियोट एडवांस सेल्स हमारी होती है जो न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस हमारा एक कवरिंग में
कवर्ड होता है, प्रोकैरियोट देखा था न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस में कोई कवरिंग नहीं होती है। इसमें डीएनए हमारे कैसे एक्सकेटर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल आ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स उसमें देखने को मिलेगा। दोनों सेल इनको साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल, जो हमारे क्या है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है हमारा, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी होती है हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म में ही होती है। इन बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखने को वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन इट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ठीक है ठीक है। जो भी लिविंग सेल्स होती है उसमें के सारी एक्टिविटीज हमारी क्या है साइटोप्लाज्म में देखने को। बिसाइड वहीं पर अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इन यूकेरियोट सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड डिस्टिंग्स करेक्टरिस्टिक बाय ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड इसमें जब यूकेरियोट की बात करते हैं तो सारे जो भी ऑर्गन होते हैं वो हमारे क्या है मेम्ब्रेन बॉन्ड हमारे होते हैं। तो जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ईआर हो गया, ये भी हमारे क्या है मेम्ब्रेन बॉन्ड है। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, ये भी है। लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स हैं, ठीक है। द प्रोकैरियोट सेल लैक ऑफ द सच मेम्ब्रेन बॉन्ड, और प्रोकैरियोट में ये ऑर्गेनल्स में कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड देखने को नहीं मिलती है। राइबोसोम आर हमारे क्या है नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, फाउंड इन द आर बोथ प्रोकैरियोट यूकैरियोट में देखने को मिलेंगे। लेकिन कैसे होते हैं, इन इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड ओनली नॉट फाउंड ओनली इन साइटोप्लास्ट साइटोप्लास्ट बट आल्सो फाउंड ऑर्गेनल्स क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट में आपको देखने को मिलेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ ईआर पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो राइबोसोम हमारे इंपॉर्टेंट, तो राइबोसोम हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियम आपको देखने को मिलेंगे। राइबोसोम ये अनकवर्ड ऑर्गेनल्स हमारे होते हैं, कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एनिमल सेल्स कंटेन द अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड द सेंट्रियोल, ठीक है। तो दो हमको देखने को मिल गए, एक हमारा क्या चीज देखने को मिलेगा राइबोसोम हमको देखने को मिलेगा जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और दूसरा जो हमारा देखने को मिलेगा सेंट्रियोल, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, विच हेल्प द सेल डिवीजन में, कौन सेंट्रियोल काम करता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज में, शेप में, एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल था जैसे माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है और इस दे ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल द बैक्टीरिया थोड़े इनसे बड़े होते हैं। तो ये इनकी शेप वहां पर देखने को मिल गई। ये हमारे कैसे हैं रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है। कई बार पूछा जाता है ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं और अब क्या है वाई कॉनकेव होते हैं। तो आरबीसी के शेप हमारी के राउंड और वाई कॉनकेव होते हैं। ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनको अमीबॉइड शेप होती है। ये कॉलमुलर एपिथीलियल सेल्स होते हैं और लॉन्ग होते हैं, हमारे कैसे होते हैं नैरो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में ये नर्व सेल हैं, तो नर्व सेल हमारी कैसी होती है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग देखने को मिलती हैं। ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, ये ट्रैकीट्स हैं। ट्रैकीट्स हमारे कैसे होते हैं इलोंगेटेड हमारे सेल हैं, हमारे जाइलम का पार्ट है हमारे, ठीक है। म्यूजोफिल सेल्स हमारी होती है, तो म्यूजोफिल सेल्स हमारी कैसे होते हैं राउंड और ओवल देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलेंगे, ये लीफ में आपको देखने को मिलती है म्यूजोफिल सेल्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हमको देखने को मिल गया। अब इसके बाद में अभी बात चल रही थी इनके साइज की, बात चल रही थी तो कौन कितना साइज में है। पीपीएलओ हम लोग पढ़े थे, पीपीएलओ जो स्मॉलेस्ट था और 0.3 माइक्रोन मीटर का था। इसके बाद में कुट 3 to 5 ये बैक्टीरिया का साइज था हमारा, माइक्रोन मीटर था। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग सेल आपका ऑस्ट्रिच, सिंगल सेल जो कौन सा सबसे बड़ी सेल होती है तो एग अवार ऑस्ट्रिच, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा हमारा, एवं द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म द ह्यूमन रेड ब्लड आरबीसी का साइज हमारा कितना होता है 0.7 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर में। नर्व सेल्स हमारी सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स हमारी होती है, ठीक है। मल्टी सेलर रेड ब्लड साइज का पता चल रहा है हमको, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट हमारी नर्व सेल्स हो गई, ब्रांच्ड हो गई, लॉन्गेस्ट हो गई। आल्सो
सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल है, कॉलमुलर है, क्यूबॉइडल है, थ्रेड लाइक होती है, इवन इरेगुलर होती है। द शेप ऑफ द सेल मे बी वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, परफॉर्म फंक्शन के हिसाब से अधिक उनकी बहुत ज़्यादा शेप देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंगल हमारी जो सेल्स, हमारी लार्जेस्ट सिंगल सेल हमारे एग ऑफ द ऑस्ट्रिच हमारे हो जाएगी, स्मॉलेस्ट सेल हमारे का PPLO हो जाएगा। रेड ब्लड सेल का साइज हमारा क्या होता है, 7 माइक्रोन मीटर होती है। अब हम प्रोकैरियोट सेल हमारी क्या होती है उसको देखते हैं। तो प्रो मीन्स हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, कैरियोट मीन्स हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ऐसी सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, यानी उनका न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और जो भी DNA होता है हमारा साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। द प्रोकैरियोट सेल द रिप्रेजेंट द बाय द बैक्टीरिया, किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी प्रोकैरियोट सेल है, और अभी पढ़ रहे थे माइकोप्लाज्मा एंड PPLO प्लूरो नमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई। दे आर द जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोट, यूकैरियोट से ज़्यादा ये मल्टीप्लाई करते हैं कौन, प्रोकैरियोट सेल्स हमारी होती हैं। अभी हमने देखा था फिगर, इसको दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज में होता था। 4 बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया आर द बेसिलाई, 4 शेप देखने को मिलती हैं बैक्टीरिया की। एक बेसिलाई शेप होती है जिसको रॉड शेप कहते हैं, कोकस ये स्फेरिकल यानी गोल टाइप से आपको देखने को, विब्रो ये कॉमा शेप हमारे देखने को मिलते हैं, एंड स्पायरलम ये स्पायरल शेप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये 4 प्रकार के हमारे बैक्टीरियल के शेप वहाँ पर देखने को मिलते हैं, रॉड शेप होगा, स्पेरिकल शेप होगा, कॉमा शेप और स्पायरलम होता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोट सेल फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू द प्रोकैरियोट एग्जिबिट द वाइड वैरायटी ऑफ शेप ऑफ द फंडामेंटल फंक्शन। ठीक है, तो ऑल प्रोकैरियोट हैव द सेल वॉल। ठीक है, जितनी प्रोकैरियोट सेल्स है हमारी कैसी हैं, सेल वॉल सराउंडिंग देखने को उनके पास मिलेगी, और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। द फ्लूड मैट्रिक्स फिलिप द साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। देर इज नो वेल डेफिनेटेड न्यूक्लियस, इसमें कोई डेफिनेट देखने को नहीं मिलेगा, डिफाइंड कोई न्यूक्लियस है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई कवरिंग नहीं होती न्यूक्लियस में। और जेनेटिक मटेरियल हमारा बेसिकली नेक्ड हमारा होता है, क्योंकि इसमें कवरिंग नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर, जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस में, कोई मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से ऐसे ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्म। नॉट इन्वॉल्व्ड बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। इन द एडिशन द जीनोम, इसका जीनोम यानी DNA कैसा होता है, सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, और हमारा कैसा सर्कुलर देखने को, यहाँ पे क्या है, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर देखने को मिलता है। मे बी बैक्टीरिया हैव द स्मॉलर स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जीनोम। ठीक है, एक जीनोम के द्वारा के अलावा एक और DNA देखने को मिलता है, DNA द स्मॉलर देन द कॉल्ड, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो एक अगर बैक्टीरिया के सेल देखते हैं तो एक तो हमारा इसमें क्या है, इनका अपना जीनोम होता है, और इसके बाद में एक एक्स्ट्रा जीनोम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोनों सर्कुलर फॉर्म होते हैं और सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे देखने को मिलता है, इसके बाद में इसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, एक हमारा न्यूक्लियस है और एक हमारा क्या है, प्लाज्मिड यहाँ पे देखने को मिलता है। द प्लाज्मिड DNA कन्फर्म द सर्टेन यूनिक फिनोटाइप, ये कुछ फिनोटाइप इसके होता है करेक्टरिस्टिक बाय द सच बैक्टीरिया में होता है। वन सच करेक्टर्स इज रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, जब कोई डिजीज से हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो डिजीज कुछ समय के लिए उस बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस यानी उस बैक्टीरिया को नहीं मार पाती, क्यों, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा DNA होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो वो प्लाज्मिड उसमें क्या है, लड़ने की क्षमता उसमें आ जाती है, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया पे काम नहीं कर पाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक कॉज करता है हमारा कौन, प्लाज्मिड करता है। इन हायर क्लास ऑफ विल लर्न अबाउट दिस प्लाज्मिड में, आप ऊंचे क्लास में देखोगे, DNA इज यूज टू द मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन DNA। ठीक है, DNA हमारा क्या है, प्लाज्मिड DNA यूज किया जाता है मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विच फॉरेन DNA में, इसको क्या है यूज करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन द
यूकैरियोट में देखने को मिलेगी ल्यूकरी मेम्ब्रेन, नो ऑर्गेनल्स लाइक वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट द राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के अलावा इसमें और कोई ऑर्गेनल्स नहीं आपको देखने को मिलेंगे कंपैरिजन देन द यूकैरियोट। प्रोकैरियोट हैव द समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन स्पेशल आ स्पेशलाइज्ड डिफरेंट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल द मिसोसोम। इसमें कुछ इंक्लूजन देखने को मिलता है प्रोकैरियोट सेल में। ठीक है, तो जिसको ये हमारे क्या है सेल वॉल है और सेल वॉल के बीते कुछ यहाँ पे क्या है ऐसे कुछ फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग क्या है मिसोसोम के नाम से इसको क्या है जानते हैं। इसको मेम्ब्रेन ऑफ द स्कॉल्ड मिसोसोम इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोट्स दे आर द स्पेशली फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है इसको। ठीक है, और सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब सेल का एनवलप और इट्स मॉडिफिकेशन हो जाता है उसके बारे में यहाँ से देखते हैं। तो इसको एक बार इसको हम लोग डिस्कस और कर लेते हैं ये फिगर के बारे में। ये हमारा यूकैरियोट सेल का फिगर है। यूकैरियोट सेल की जो साइज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को यहाँ मिल रही होगी। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा होगा, इसमें एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यहाँ से देखने को यहाँ से मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ से देखने को आपको मिल रहे होंगे। इसके बाद में ये हमारे क्या बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया चार प्रकार के हमने पढ़े थे। इनका शेप उनका होता है 1 से 2 माइक्रोन मीटर यहाँ पे देखने को, PPLO है 0.1 माइक्रोमीटर देखने को। माइरस सबसे छोटे होते हैं साइज में क्या है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये इनके शेप हैं और इनके बाद में नीचे कुछ एनवलप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये सेल वॉल कैसे मॉडिफिकेशन हो जाता है इसको एनवलप है ना, सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरिया सेल्स हमारी बात कर रहे हैं दे हैव द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। इनके ऊपर एक एनवलप देखने को मिलता है, कवरिंग देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है। द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ द टाइटली बॉन्ड 3 लेयर स्ट्रक्चर का होता है। दैट इज आउटर मोस्ट हमारे क्या है ग्लाइकोकैलेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। सही है, तो ऊपर जो स्ट्रक्चर हमारा होता है जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है आउटर मोस्ट होता है जिसको कवरिंग बनाता है जो ग्लाइको कैलेक्स हमारा होता है और नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ऑल दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन, प्रत्येक लेयर का अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक्ट टूगेदर सिंगल प्रोटेक्शन यूनिट का काम करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल एनवलप के आधार पर 2 में इनको डिवाइड किया गया है। द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाई ग्राम। ठीक है, तो ग्राम हमारे साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट ने स्टेनिंग के आधार पर और इनकी सेल वॉल जो इनका जो एनवलप था उसके आधार पर स्टेनिंग के आधार पर 2 में डिवाइड किया था। विच जो थे हमारे क्या है दे आर मेकअप द ग्राम पॉजिटिव, कुछ दोस्त है टेक अप द ग्राम स्टेन, जो स्टेनिंग को ले लेते हैं उनको क्या है ग्राम पॉजिटिव कहा, और ऐसे दो डो नॉट कॉल दो स्टेन नहीं ले पाते तो उनको क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। यानी जो रंग उन पर चढ़ जाया करता था वो पॉजिटिव होगा, जो रंग उन पर नहीं चढ़ा था स्टेनिंग का
इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं, वो हमारा क्या है, ग्राम नेगेटिव हो गए। ग्लाइको कैलेक्स, ठीक है, तो ग्लाइको कैलेक्स डिफर फ्रॉम द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, में सबके कंपोजिशन थिकनेस अलग अलग देखने को मिलेगा। इट कुड बी लूज सीथ, इसका स्लिम लेयर, अगर इसमें सीथ इसकी कैसी है, लूज है, ठीक है, तो उसको स्लिम लेयर के नाम से ज़्यादा। इन सम वाइल इन अदर, कुछ में क्या होगा, मे बी थिक और टफ कॉल्ड मिले, जैसे कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो एनवलप होता है, बाहरी जो लेयर होता है, जो हमारे क्या है ग्लाइको कैलिक्स का बना होता है, वो कैसा होता है, लूज होता है, स्लिम होता है, टफ होता है, और हमारा थिक होगा, मोटा होगा, उसको कैप्सूल कहते हैं। द सेल वॉल डिटरमिनेट द शेप ऑफ द सेल, इनकी सेल वॉल होती है जो शेप डिटरमाइंड क्या करती है, एक शेप को आकार देती है। और इसके बाद में एंड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रोवेंट द बैक्टीरियम टू बस्टिंग ऑफ द कोलेप्सिंग सेल, ठीक है। तो ये अंदर जो बैक्टीरिया के सेल होती है, वो किसका काम, क्या काम करती है, सेल वॉल, उनको बस्ट होने से, कोलेप्स होने से बचा के रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, सेमी परमिबल होती है इन नेचर, होता है इंटैक्ट विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिबल होती है, और हमारा इंटैक्ट हमारा क्या होता है, आउटर वर्ल्ड से इसका इंट्रैक्शन होता है। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट द यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है सेम होता है। आ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इस मेसोसोम देखने को यहाँ पे मिलते हैं, हमारे क्या है सेल मेम्ब्रेन, विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल। प्रोकैरियोट में आप देखने को मिलेंगे मेसोसेल, दिस एक्सटेंशन ऑफ इन द फॉर्म, ये क्या काम करेंगे, फॉर्म ये वेसिकल का फॉर्मेशन करते हैं, ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन और लेमिली का फॉर्मेशन करते हैं, हमारे कौन, मेसोसोम, जो हमारे एक्सटेंशन होते हैं हमारे किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। दे हेल्प इन द सेल वॉल, सेल वॉल फॉर्मेशन में हमारे हेल्प करते हैं कौन, जो हमारे क्या है मिसोसोम, इनमें फोल्डिंग देखने को मिलेंगी सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डॉटर सेल, तो सबसे ज़्यादा जो सेल मेम्ब्रेन का इसी में वर्क हमारा होता है, प्रोकैरियोट सेल में इनके काफ़ी फंक्शन हमारे देखने को मिलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन टुगेदर, ठीक है, डॉटर सेल जब सेल डिवीजन होता है तब भी इसी रोल है। दे आल्सो हेल्प इन द रेस्पायरेशन में करेंगे, सिक्रेशन करेंगे, प्रोसेसेस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइम्स कंटेंट इन सम प्रोकैरियोट लाइक, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, देर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन देखने को इन टू साइटोप्लाज्मिक कार्ड, हमारा क्या है क्रोमेटोफोर देखने को मिलेगा, ठीक है, विच आर द कंटेंट पिगमेंट। कुछ और स्पेशल जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमारे क्या है साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, तो उनमें जो सेल वॉल में एक्सटेंशन देखने को मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रोमेटोफोर करते हैं, जो उसमें एक कंटेन पिगमेंट होते हैं, जो हमारे किस पे काम करते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल हो सकती है, नॉन मोटाइल भी होते हैं, यानी ठीक है चल सकते हैं, और नॉन मोटाइल जो नहीं चल सकते, इफ मोटाइल दे हैव द थिन फिलामेंटस देखने को मिलेगा एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, इस कॉल्ड द, ठीक है, इसको क्या है फ्लैजिला कहते हैं, जो मोटाइल होते हैं तो इस एक्सटेंशन किसका होता है सेल वॉल का होता है, इसको फ्लैजिला कहते हैं। बैक्टीरिया सो आ रेंज ऑफ इन नंबर ऑफ द एग्री अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला, ठीक है। तो बैक्टीरिया का इनका कुछ मैनर होता है, जो रेंज होती है, जो फ्लैजिला का अरेंज होता है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री पार्ट, फिलामेंट इसमें देखने को मिलेगा, हमेशा बात आ गई फिलामेंट की है, हुक देखने को मिलेगा और विसल बॉडी देखने को मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि पार्ट ऑफ द फ्लैजिला ऑफ द प्रोकैरियोट सेल के कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ठीक है, तो तीन चीज यहाँ से देखने को मिलेगा, फिलामेंट मिलेगा, फिर इसमें आगे हुक होती है और विसल बॉडी, जहाँ से क्या है फ्लैजिला हमारा निकलता है। द फिलामेंटल इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आउटसाइड, ठीक है, तो ये एक्सटेंशन पोर्शन हमारा होता है, तो ये हमारा निकलता है, ये सेल वॉल से निकलता है।
तीन चीजों से मिलके बना है, फिलामेंट से मिलके बना है, आगे हुक होती है, हुक्नुमा संरचना होती है, और नीचे यहाँ पे क्या है, वेसल बॉडी देखने को मिलती है। बिसाइड द फ्लेजिला, इसमें फ्लेजिला के अलावा इसमें क्या चीज़ है, पिली देखने को मिलता है, फिब्री देखने को मिलता है, आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑन द बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर पे पिली यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये क्या है, फिम्ब्री, ठीक है, पिली और फिम्ब्री यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इनका रोल क्या होता है, बट डू नॉट द रोल, मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं होता है, मोटिलिटी में सिर्फ हमारा फ्लेजिला का ही रोल होता है। पिली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ द स्पेशल प्रोटीन का बनता है, जैसे क्या है, और दैट फिम्ब्री आर द स्मॉल ब्रिस्ट, ठीक है, ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर हमारा होता है, और ये फाइबर सपोर्टिंग आउट ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है। तो फाइबर सपोर्टिंग आउट ऑफ सेल होते हैं, कुछ इसमें बड़े होते हैं, कुछ इसमें छोटे होते हैं, जो बड़े होते हैं स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं जिनको पिली कहते हैं, कुछ जो छोटे होते हैं उनको फिब्री कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ब्रिटल लाइक हमारे होते हैं, फाइबर्स होते हैं सराउंडिंग आउटर वॉल ऑफ द सेल वॉल, द सम ऑफ बैक्टीरिया, दे आर नोन हेल्प द अटैचमेंट अटैच ऑफ द बैक्टीरिया इन रॉक है इन द स्ट्रीम आल्सो होस्ट ऑफ द टिश्यूज, तो ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जो हमारे पिली और फिब्री होते हैं, तो ये हमारे क्या अटैचमेंट का काम करते हैं किसी सरफेस से, ठीक है। ठीक है, राइबोसोम और इंक्लूजन हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे इसको, और तब तक इसको वाइंड अप करते हैं।